फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल लर्निंग हब। तो फ्रेंड्स एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है उन एस्पिरेंट्स के लिए जिन्होंने इस साल पीजी एंट्रेंस में पार्ट लिया था। आपको बताना चाहता हूँ कि कश्मीर यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने पीजी एंट्रेंस का रिजल्ट स्टेटस जो है वो डिक्लेयर किया है और वो अवेलेबल है ऑफिशियल वेबसाइट जो है कश्मीर यूनिवर्सिटी की, वहाँ पर वो अवेलेबल है। तो जिसने भी इन एग्ज़ाम्स में पार्टिसिपेट किया था वो जाके अपना रिजल्ट स्टेटस जो है चेक कर सकता है और विद इन फ्यू डेज जो है आपके सामने मेरिट लिस्ट भी रखेगी कश्मीर यूनिवर्सिटी। तो आप किस तरह से अपने मोबाइल फ़ोन से अपना रिजल्ट स्टेटस चेक कर सकते हैं, चलिए वो भी मैं इसी वीडियो में आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाए ताकि जब भी मैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके लिए लाऊँ तो वो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम अपने मोबाइल फ़ोन से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको वो नोटिस दिखाऊंगा जो कि कश्मीर यूनिवर्सिटी ने यही निकाली है एंट्रेंस टेस्ट के रिगार्डिंग। तो इसमें साफ साफ लिखा है कि यार किसी भी कैंडिडेट को अपने रिजल्ट के रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी तो वो सबमिट कर सकता है 16 अगस्त अप टू 5 PM तक। और अगर किसी को भी अपने जो है अपना OMR शीट का जीरोक्स चाहे तो वो उसके लिए सबमिट कर सकता है एप्लीकेशन। तो ये है वो नोटिस जो कि कश्मीर यूनिवर्सिटी ने निकाली है और इसके साथ साथ जो रिज़ल्ट निकाला है वो भी अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स अपने मोबाइल फ़ोन से अपना रिज़ल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आप अपने किसी भी मोबाइल के ब्राउज़र में जाएंगे और वहाँ पे आप सर्च बार में लिखेंगे कश्मीर यूनिवर्सिटी या लिखेंगे kashmiryuniversity.net और जैसे ही जो ऑफिशियल वेबसाइट है kashmiryuniversity.net वो निकलेगी, उस पर आप क्लिक करेंगे और जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट है कश्मीर यूनिवर्सिटी की उसमें एंटर हो जाएगी। और उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके जो है आपको यहाँ पे देखना है नोटिफिकेशंस में, जो सबसे पहली नोटिफिकेशन है आप चेक कर सकते हैं। जो यहाँ पे सबसे पहली नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन रिगार्डिंग इश्योरेंस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट स्कोर, तो और यहीं पे आपको दूसरी नोटिफिकेशन मिलेगी रिजल्ट स्टेटस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट। तो दोनों को आप यहीं पे देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे सीधे जाके क्लिक करेंगे रिजल्ट स्टेटस पे और यहाँ पे आपका रिज़ल्ट जो है अवेलेबल होगा। यहाँ पे आपको रोल नंबर एंटर करना है और अपनी DOB एंटर करनी है और उसके बाद अपना रिज़ल्ट स्टेटस जो है वो आप चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बस इतना ही था आज के वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।